परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है, कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1,000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना, दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं, उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। जय।